प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 9 वर्षों की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 9 सालों में गरीब और देश की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। गरीब को जहां सुरक्षा और सम्मान मिला तो वहीं देश का दुनिया में भी मान बढ़ा है। मोदी सरकार के 9 सालों के शासनकाल में 1,25,00,000 रोजगार पैदा हुए। केंद्रीय पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में रोजगार के अवसरों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस दौरान लगभग 1,25,00,000 नए रोजगार पैदा हुए हैं। इंडेक्स होता है, वो ओवरऑल इंडेक्स मिलाकर के होता है, लेकिन हम इसको संवेदनशीलता के साथ देखते हैं और सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन है उसको हम रोकने में दुनिया के अगर बाकी देशों से देखेंगे तो हम उनकी तुलना में अपने इन्फ्लेशन को बहुत कम रखते हैं। आपने 3-4 विषय कहे हैं। पहला मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का विषय है, जो बाघों की संख्या बढ़ रही है। हमारे मंत्रालय के द्वारा अनेक इस पर एडवाइजरी जारी करी है। पिछली बार 29 जुलाई को हमने टाइगर डे भी यहाँ पर बनाया था और इसके लिए हम पूरी एडवाइजरी के साथ काम कर रहे हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम निश्चित रूप से काम करेंगे। ज़्यादा संख्या होगी तो जो पुनर्स्थापन के और जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के वो विषय हम करें। मैं पूरे जवाब दे दूँ, मैं किसी के नहीं छोड़ूंगा जवाब, एक एक सारे अभी तक का एक ही जवाब है। दूसरा आपने विषय गरीब कल्याण के देखा, ESIC का मैंने आपको बताया है, कल भी किसी ग्रीन ग्रोथ पर आरोप है। इंजन बिना गाड़ी, आत्मा बिना शरीर, डीजल पेट्रोल बिना गाड़ी जशी चालवता येत नाही तशी जोपर्यंत या ठिकाणी या एकत्र येण्यामागे विचार नसेल, मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं करते हुए देश का सन्मान कम करना चाहते हैं, या सर्व विरोधी पक्षांना देशाची चिंता कमी है, स्वतःच्या भविष्याची चिंता जास्त है। मोदी जी देशाच्या भविष्याबद्दल चिंता करत 24 तास काम करण्याचा प्रयत्न करतात आणि इथं पटण्यामध्ये एकत्र येऊन पंतप्रधानाचा उमेदवार ज्यांना साधा ठरवता येत नाही की कोणाच्या नेतृत्वामध्ये जनतेला एकत्र करून देशाचा गौरव वाढवण्याचा यांचा संकल्प आहे। या सर्वांनी एकत्र फक्त एकाच मुद्द्यावर ते आले की त्यांना भीती वाटते की 2024 मध्ये पुन्हा मोदीजी निवडून आले तर आपल्याला निवडणुका लढवून लोकांचा प्रतिसाद मिळणार नाही। आणि म्हणून पटणे अगं प्रत्येक नेता काय वाक्य वापरत होता की 2024 के बाद चुनाव नाही होगे, संविधानानुसार तर निवडणुका होणारच आहे, पण यांना भीती अशी वाटते की 2024 मोदीजी निवडून आल्यानंतर निवडणुका जरी झाल्यात तर आपल्या डिपॉझिट जप्त होण्याची शक्यता आहे। माननीय मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी गुजरातचा विकास करून देशाच्या कल्याणाचा विचार मांडला, देशाच्या प्रगतीसाठी संधी मागितली, जनतेला सेवा करण्याच्या दृष्टिकोनातून जनतेला आवाहन केलं। आज बिहारचे नितेश कुमारजी हे मुख्यमंत्री आहे, देशाला पुढे नेताना मग बिहार का पुढे नेऊ शकले नाही? भाजपचं नितेश कुमारचं सरकार असताना बिहार शेवटून 2 होता, आता नितेश कुमारचं राज्य आल्यावर बिहार शेवटून पहिल्या नंबरवर आहे, म्हणजे ते खालती चाललंय। जे बिहारला वरती विकासाच्या बाबतीत नेऊ शकत नाही त्यांच्या नेतृत्वात देशाच्या विकासाच्या कल्पना करणे, वल्गना करणे यापेक्षा राजकीय। NBC News के लिए चंद्रपूर से सुनील ताळे की रिपोर्ट।